पंजाब में बैलेट पेपर से हुए पंचायत चुनाव में मतगणना के वक्त अजीबोगरीब व दिलचस्प मामला सामने आया है। गांव तोलावाल में मंगलवार को पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही थी। एक वोट से प्रत्याशी हार रही थी। उनके पोलिंग एजेंट ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के 3 वोट मुंह में डालकर चबा डाले और फिर उन्हें निगल लिया। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो यह दिलचस्प मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौजा से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित गांव तोलावाल का है। यहां एक वोट से हार होते देख प्रत्याशी जोगिंद्र कौर का पोलिंग एजेंट महेंद्र सिंह जीत रहे प्रत्याशी गुरमीत कौर के 3 वोट चबाकर निगल गया। उसकी हरकत देख प्रेजाइडिंग ऑफिसर समेत अन्य स्टाफ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुरंत पुलिस को शिकायत कर मामला दर्ज कराया गया और चुनाव नतीजा जीत रहे प्रत्याशी के हक में घोषित किया गया। आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुनाम के गांव तोलावाल के सरकारी स्कूल में बूथ संख्या 70 पर मंगलवार को मतों की गिनती हो रही थी। पंच के लिए गुरमीत कौर और जोगेंद्र कौर के बीच कड़ा मुकाबला था। गुरमीत कौर को 135 और जोगेंद्र कौर को 134 वोट मिले। 3 बार गिनती की गई और परिणाम यही रहा। इसी दौरान जोगेंद्र कौर के पोलिंग एजेंट महेंद्र सिंह ने अचानक गुरमीत कौर के 3 वोट उठाए और मुंह में डालकर चबा डाले। पुलिस ने धारा 136 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी गुरबचन सिंह ने बताया कि फिलहाल महेंद्र सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।